I am Aparna. You are watching Aparna Rathi Vlogs. So, happy Ganesh Chaturthi to all of you. आज है गणेश चतुर्थी और हम सब जा रहे हैं घूमने, बहुत ही फेमस गणपति के दर्शन करने. तो अभी हम सब रेडी हो रहे हैं, फटाफट से रेडी होते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को. तब तक के लिए बने रहिए. जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर देना फटाफट से. ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में. फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए. सो मेरा आउटफिट अब तो ये है, ब्लू जीन्स विद अ पिंक टॉप. और दीदी यहाँ पे सब सामान रख रही है, मम्मा यहाँ पे रेडी हो रही है. हाय गाइस बोल दे. हाय गाइस. हाय गाइस. तो अभी हम सब निकलते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपको पहुँचने के. सो गाइज, हमने ले लिया था ऑटो जाने के लिए स्टेशन. ये दीदी पता नहीं क्या बोल रही है. हमने ले लिया था ऑटो जाने के लिए. बहुत ही बैकग्राउंड वॉइस था, इसे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा. ये था बाहर का व्यू, बहुत ही अच्छा हो रखा था व्यू. मतलब बारिश, कभी धूप और कभी बिल्कुल मतलब एकदम सटल सा मौसम. ये हम पहुँच चुके थे स्टेशन, मतलब अभी स्टेशन के बाहर है. अभी हम जा रहे हैं टिकट लेने टिकट काउंटर पर. फिर हमने साथ साथ लिए दो बर्गर. सो फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं. अब हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने. मिलते हैं अभी ट्रेन पकड़ने के बाद. पूरा प्लेटफॉर्म खाली है. ये हम बैठ चुके थे ट्रेन में और मैं और मम्मा और दीदी खा रहे थे बर्गर. दीदी का था मैक्सिकन और मेरा था चीज़ बर्गर, बहुत ही टेस्टी था. ये था ट्रेन से व्यू, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था. और फिर मैंने एक रैंडम सी वीडियो बनाई, मतलब ऐसे जस्ट रैंडम बैठी हुई थी मैं तो फ्रीली जस्ट बना ली. मम्मा बात कर रही थी मामा से गाँव में. ये दीदू पता नहीं क्या सोच रही है. फाइनली हम लोग स्टेशन पहुँच चुके हैं अभी. Let's see, पता नहीं शायद से या अभी हम लोग चीज मोगली स्टेशन पहुँच रहे हैं. मतलब जाने के लिए ये रही. हाँ, वही. सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं बताने. ये हम निकल चुके थे स्टेशन के बाहर, मतलब जहाँ हमें जाना था उस स्टेशन के बाहर, सीधा लालबाग के दर्शन करने के लिए. इतना गर्दी यहाँ से है तो सोचो आगे कितना गर्दी होगा. यहाँ से बहुत मस्त मस्त गणपति देखने को मिले हमें, बहुत अच्छा था. ये हम खड़े थे लाइन में, मतलब 2 बजे से हम लाइन में खड़े थे और यहाँ जब लाइन में हम आए थे तो हमें बज चुके थे 3 या 4. बहुत देखो ना, बिल्कुल इतना गर्दी है ना वहाँ पे कि मतलब एकदम चिपक चिपक के खड़े. और ये बहुत ही मुश्किल के बाद मैंने अपने जेब में हाथ डाल के फ़ोन निकाला और ये भी रैंडम वीडियो बनाई. अरे यार, अरे मुँह में कितने गंदा आ रही, तुम्हारी बिंदी हट गई. बट मेरा तो सही है, टोटल नहीं ले. अच्छा, हम लोग एंट्रेंस पे आ चुके हैं अंदर की साइड में. अभी बस रेलिंग से वो कंप्लीट करना है. सो ये फाइनली हम आ चुके थे एंट्रेंस पे और ये बहुत ही अच्छा डेकोर कर रखा था वहाँ पे, बहुत ही ऑसम. थोड़ा सा रात हो गया था इसीलिए लाइट्स ऑन कर दी थी तो और अच्छा व्यू आ रहा था. यहाँ से बहुत दूर थी अभी मैं, ये मैंने शूट किया बहुत दूर से, बहुत सही. ये थे गणपति बप्पा. बहुत दूर थी मैं तो इसलिए ज़्यादा क्लियर नहीं आया. बहुत हिलडुल रही थी वीडियो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो शूट करने को जा तो जैसे ही शूट करती वैसे ही लाइन चलने लगती तो फ़ोन बहुत हिलडुल रहा था. इसीलिए इसके बाद वाली क्लिप ना बहुत क्लियर है, वो मुझे थोड़ी आगे जाके मिली, वो बहुत ही मतलब सटल आई थी. दर्शन हो चुके हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी. और हम सुबह 2 बजे से हो रहे हैं, बहुत हालत ख़राब हो चुकी है. पीछे में बहुत गंदी है, बहुत ज़्यादा. और दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत पास था इस बार, सब अच्छे से हो गया. अभी जा रहे हैं घर. घर जाएंगे ना, मैं क्या मजा आ रहा मसा. एक सेकंड में बैक कैमरा.
अभी हम घर जाएंगे ना। प्रसाद जिसे लेना हो वो दर्शन के बाद आ सकता है लेने। और फिर यहाँ से सीधा एग्जिट बाहर जाएंगे। अच्छा लगा दर्शन करके। ये ले लिया प्रसाद। सब थक चुके हैं हम। बहुत ज़्यादा रश था। फिर अभी फटाफट से बस मम्मा अभी घर ही जाएंगे ना। अच्छा अभी हम जा रहे हैं हमारी बड़ी मम्मी के घर। वहाँ भी गणपति बैठा है। तो ये था पूरा डेकोरेशन। ये रही मम्मा। क्या लेंगे यहाँ पे? सब स्टॉल्स एंड ऑल है। ये लगे भाई भाई सुबह से हम लाइन में लगे हुए और अभी हमारे दर्शन हुए हैं। या ये रहे सारे स्टॉल्स। वड़ा पाव, क्योंकि सुबह सुबह से कुछ नहीं खाया हम सब ने। ये रहा वड़ा पाव। मेरे पापा, दीदू, मम्मा, मम्मा का अवतार। अभी मम्मा थोड़ा मेकअप शेकअप करेगी, रेडी होएगी, अपनी जिठानी के घर जा रही है ना बिचारी। जोक्स अपार्ट गाइस, जोक्स गाइस। ये व्यू है लालबाग के राजा के यहाँ का। भाई साहब बहुत टाइम, बहुत टाइम। देखो इट्स टू क्यूट एंड बहुत बढ़िया डेकोरेशन है भाई। मज़े आ गए। देख इतने सही है, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको एंट्रेंस गेट, हाँ हाँ अभी मैं आपको एंट्रेंस गेट दिखाती हूँ। गाइस मेन एंट्रेंस गेट पूरा कितना सही, ऑसम, सुपर्ब, ग्रेट बना। एंड रश इज आल्सो देयर। ठीक है बाद में बात करते हैं। गाइस ये देखो क्या चल रहा है भाई साहब, क्या डेंजर डेंजर। इतनी सी बच्ची है वो, बट टैलेंट भाई, टैलेंट बच्ची में टैलेंट है गाइस। देख लो भाई, मतलब बंदी को डर भी नहीं है। तो ये गणपति है बड़ी मम्मी के घर का गणपति। वहाँ पे भी मुझे शूट करने को टाइम नहीं मिला, मैंने जैसे एक रैंडम वीडियो बना ली ताकि आप लोगों को दिखा पाऊँ। गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, सब गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं कल वाला ब्लॉग एंड करना भूल गई थी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे इतना रेडी शेडी होगी फिर से कहाँ। तो हम फिर से जा रहे हैं एक रिलेटिव के घर पर गणपति दर्शन करने। सो बेसिकली मेरा ये है OOTD आउटफिट ऑफ द डे। कल वाला व्लॉग में इतने थक गए थे कि मेरा मन नहीं था कि मैं फ़ोन उठा के व्लॉगिंग करूं। सो बस अभी टाइम मिला है तो मैं फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ। मम्मा और मैं ही जा रहे हैं, दीदू एंड डैडी गए हुए ऑफिस। सो मिलते हैं पहुंचने के बाद। बाकी जो है व्लॉग वो इसमें मैं कंटिन्यू कर दूँगी सारा व्लॉग।
लालबाग वाला भाई, दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हमारे कल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। उसके बाद भी हम ट्रैवल कर रहे थे, उसके बाद गए थे हम बड़ी मम्मा के घर पे, वो वाला भी क्लिप्स में सब ऐड कर दूँगी। तो अभी जस्ट हम निकलते हैं और आप लोग को मिलते हैं परसों के बाद। यही थी रिलेटिव के घर के, मतलब भाई के घर के गणपति, वहाँ पे भी मुझे टाइम नहीं मिला। सो गाइस वेलकम अगेन, ये वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है, अभी इतना हिम्मत नहीं कि कंटिन्यू ब्लॉगिंग करें। तो अभी ये जो तोड़ मोड़ के एक ब्लॉग बनेगा वो देख लेना, बहुत सारे ब्लॉग इसमें ऐड है, ये सिर्फ ओनली लालबाग का राजा का नहीं है, बहुत सारी जगह है इसमें, तो अभी देख लेना आप लोग। मैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मैं और मम्मा भी अभी जस्ट आए थे, तो मैंने बोला पहले ब्लॉग का एंड कर दें फिर बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने वहाँ जहाँ पे हम गए थे वहाँ का ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं है बिकॉज वहाँ पे टाइम नहीं मिला। तो बस हालत देखो वैसे कितने सुंदर बने हुए थे और कैसे हो के आए हैं। तो बस आपको मैंने अपना आउटफिट दिखा दिया था, ये ट्राउजर्स एंड सूट, आउटफिट ऑफ द डे OOTD। तो ये वाले ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड, मिलते हैं जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दो और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर इंक्रीज कर दो, बहुत ही जल्दी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू सून गाइस।